पागल बेटा अंडरग्राउंड कार। सामने नाम के गांव में विनोद और ललिता नाम के एक धनवान दंपति रहती थी। उनका बेटा था धवन। विनोद ने धवन को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। एक दिन धवन अपने माँ बाप के पास आया। पिताजी, आजकल मुझे बहुत गुस्सा आता है। दिल करता है मैं सबको बहुत खूब मारूं। इतना ही नहीं, जी करता है कि सारे सामान को तोड़ डालूं। ले 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 ले, मेरे लाडले बेटे को इतना गुस्सा क्यों आता है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? पापा को बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये देखो, यही प्रॉब्लम है। अरे तुम इतना लाड प्यार से उसे बिगाड़ रहे हो, वो घर के सारे वस्तुओं को तोड़ रहा है। देखो जी, एक उम्र के बाद बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना बड़े होकर हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। देखा पिताजी, मम्मी हमेशा ऐसे ही बोलती है। इतना ही नहीं, हर बात पर टोकती है। मम्मी तो घर के नौकरों को भी कहती है कि वो मेरी बात ना माने। मुझे बहुत रोना आता है पिताजी। ये सुनकर विनोद ने घर के सारे नौकरों को बुलाया। फिर उन नौकरों से, विनोद तुम सब सुनो, जैसे तुम लोग मेरी बात मानते हो, मेरे बेटे की बात माननी होगी, वरना तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। बाद में विनोद नौकरों से, तुम लोगों से मैं एक बात कहना भूल ही गया। सुना है कि आजकल गांव में साधु नाम का एक गाड़ियों का चोर आया हुआ है। वो कोई मामूली चोर नहीं है। सुना है कि वो कोई भी गाड़ी देख ले, उसे यूं पल भर में गायब कर देता है। इसीलिए आपसे तुम लोगों को चौकन्ना रहना होगा। रात को हमारे कार के पास दो लोग पहरा देते रहो। वैसे भी हमारी वो स्पोर्ट्स कार बहुत महंगी है। ठीक है, कहकर वहाँ से चला गया। अब एक जगह अंडरग्राउंड में बहुत सारे गाड़ियों के साथ खड़ा साधु अपने अनुचरों से, क्यों भाई गनी, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? अरे क्या सोचेंगे दादा, अब तो लोग अपने कारों को अपने बेडरूम में रखने लगे हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने पुलिस की गाड़ी चुरा ली ना, तो अब लोग पुलिस को कंप्लेन करने के लिए भी डरते हैं। अरे इतना ही नहीं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कब ये कार बेचेंगे और तब वो हमें पकड़ेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि हम इसे बेचने नहीं वाले। ये सब गाड़ियां यहीं अंडरग्राउंड में ही रहेंगी। वो गधे ये नहीं जानते कि ये सब हम तो सिर्फ किक के लिए करते हैं। वो सब तो ठीक है, हमारे पास बाइक से लेकर सारे किस्म की गाड़ियां हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स कार ही मिसिंग है। मैंने कहा था ना कि पता करो वो स्पोर्ट्स कार कहाँ है। तुमने पता लगाया? पता लगाया दादा, इस गांव में विनोद नाम का एक धनवान है। उसने हाल ही में अपने बेटे के लिए एक बहुत महंगा स्पोर्ट्स कार खरीदा है। मैं जाकर देख कर आया हूँ। बहुत जबरदस्त है दादा, अगर तुम हाँ कहो तो कल ही उसका मुहूर्त निकलवाते हैं। साधु ने हाँ कहा। अगले दिन धवन अपने नौकरों से, सुनो तुम लोगों को कार के चारों ओर गड्ढा खोदना होगा, समझे? क्यों बेटा, तुम कार को उसमें दफनाओगे क्या? हाँ, सुना है कि वो चोर बहुत खतरनाक है। पिताजी ने कहा, तुम लोगों ने सुना नहीं? उससे हमारी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। सुना है उसकी नजर पड़ते ही कार गायब हो जाती है, इसलिए इसे गड्ढे में रखना होगा। जल्दी जल्दी गड्ढा खोदो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तब वे सब नौकर लाचार होकर कार के चारों तरफ गड्ढा खोदा और कार को उसके अंदर दफना दिया। ये देखकर धवन ताली बजाने लगा। तभी साधु वहां पहुंचा। उसने दो नौकरों को मारकर नीचे गिरा दिया। अब उसके सामने खड़े धवन से साधु, क्यों रे, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ कारों का चोर साधु। चुपचाप बताओ तुमने गाड़ी कहाँ छुपा रखी है, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं क्या बताऊँ कमीने, अरे तुम्हारे सामने जो बड़ा सा गड्ढा है उसी में है कार। अरे तुम्हें चाहिए तो उसे बाहर निकालो। अरे तू है कौन? तू तो मुझसे भी बड़ा पागल निकला। अब कार को गड्ढे में रखा है, उसे चलाएंगे कैसे? उसे बाहर कैसे निकालोगे? मुझे अब कार की तो जरूरत नहीं है, अब तुम्हें चाहिए तो तुम निकालो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो बोलो, तुम्हारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं ना, वो निकालेंगे। तब उसके पीछे खड़े पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। फिर साधु से एसआई, क्यों रे कमीने, हमसे बचकर जाना चाहता था। कल यहाँ घनी को चक्कर लगाते हुए धवन ने देख लिया था और उसने हमें खबर की। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले उसने इस कार को गड्ढे में रख के तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, इस तरह उसने तुम्हें पकड़वा दिया। गुड जॉब बेटे धवन, कहकर साधु को गिरफ्तार किया और उसे थाने ले गए। बाद में विनोद और ललिता ने अपने बेटे धवन की खूब प्रशंसा की।